हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत है आपको फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन शो करानी है तो कैसे करा सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग करा सकते हैं और उन्हें शो भी करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग करने के लिए। हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जो भी आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं जिसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। जैसे जिसकी आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं करानी है तो आप यहाँ से करा सकते हैं, इसे ऑफ कर देंगे आपकी इसकी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी, नोटिफिकेशन ड्रॉअर मोड में शो होगी आपको यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन आइकॉन्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा आइकॉन्स में नोटिफिकेशन काउंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर आपको ऑप्शन दो मिल जाता है, नोटिफिकेशन दो देखने के लिए मिल जाते हैं, आपके फ़ोन में 2 नोटिफिकेशन अवेलेबल है। यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन डू नॉट शो, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं करानी नोटिफिकेशन आपकी कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। सिंपली यहाँ से इसे आइकॉन पर सेट कर देंगे, आपको इन आइकॉन पर सेट करेंगे तो आपके ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाते हैं नंबर्स मोर में क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जो भी देखने को मिलती हैं वो इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। डू नॉट क्लैप, या आपको क्लैप पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। अलाउ नोटिफिकेशन स्नोजिंग, इसे आप यहाँ से अलाउ कर देंगे आपकी नोटिफिकेशन स्नोजिंग, और चाहें तो आप इसे यहाँ से ऑफ भी करा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है सजेस्ट रिप्लाई दे सकते हैं आप, सजेस्ट रिप्लाई नोटिफिकेशन के आ जाएंगे जो आती हैं। यहाँ आपको ऑप्शन जाता है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव, इसे इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने से क्या हो, जैसे आपको फ़ोन कहीं रखा हो और आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है तो आपकी जो ओवर डिस्प्ले है उसके चारों ओर एक एज लाइट होती है जो लाइट आपकी जलेगी और थोड़ी सी एक साउंड वाइब्रेट होगा आपके फ़ोन में कि हाँ नोटिफिकेशन प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है बबल्स, अगर आप इसे ऑफ कराना चाहें तो यहाँ से आप ऑफ करा सकते हैं। नीचे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। डिस्प्ले एंड टाइटल बॉडी मिलना चाहिए, ओके डिस्प्ले एंड टाइटल ओनली डू नॉट शो, जो भी आपको अपनी लॉक लगाने के बाद की बात है। यहाँ से आपको जौन सी चाहिए डिस्प्ले पर शो होगी नोटिफिकेशन। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग करा सकते हैं और उन्हें शो करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लिए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।